निमी हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, ये लोग तो चुप ही नहीं हो रहे और किसी की सुन भी नहीं है। भाभी मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों का ये सुरलापना कैसे बंद होगा। डर तो इस बात का है कि अब इनको इस हालत में लेकर घर कैसे जाएं। बड़ी भाभी गल तो थोड़ी सही है, ये तो सोचा ही नहीं था कि आज मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। आखिर पार्टी तो मेरी घर की थी ना। भाभी अब हमारे पास ना सिर्फ एक ही रास्ता बाकी रह गया, इन सब भाइयों को बिना शोर किए घर के अंदर दाखिल कर दे। कौन है भाई जो इतनी रात को हाँ हाँ ही कर रहे हो? हाय हाय कड़जोग आ गयो है कड़जोग, किसा की पांच बहुए और पांच बेटे इतनी बेशर्मी कर रहे हैं और जे भी कड़ी मोहल्ले के बीच में ही। अरे आरती जे तो बड़ी चटपटी खबर है। हाँ रात को फोन, हेलो मम्मा, हाँ हम लोग यहाँ पहुंच गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। अच्छा तुम लोग आ गए? जी लड़के लोग कहाँ? मम्मी जी वो लोग ना अपने रूम में चले गए जी, बड़ा थक गए थे तो आराम कर रहे हैं। हाँ कमरे में। अब तुम लोग भी जाकर सो जाओ, थक गए होगे। चलो ना भाभी। कैसी रही कल की पार्टी? पापा कल पार्टी में बहुत मजा आया। अच्छा डैड जी ये अब तक की बेस्ट पार्टी थी। जी बाबू साहब खाना भी बहुत बढ़िया था। सिमरन बाबू कहाँ है? माँ जी मैं यहाँ हूँ। माँ जी मैंने आपसे ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले पूछा नहीं, कहीं आप नाराज तो नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, तुम्हारा फैसला एकदम सही है, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि हमें तुम पर गर्व है। धन्यवाद माँ जी। चलो बैठो तुम भी नाश्ता करो। जी वैसे पुलिस यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लगी। वैसे इसके लिए मुझे आप दोनों को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि आप दोनों ने ही मुझे एहसास दिलाया कि मेरी ड्यूटी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। थैंक्स लवली। प्रणाम। भाभी पंडित जी को क्यों बुलाया? वो परसों बबली का जन्मदिन है ना, बस छोटी सी पूजा रखी। बबली का बर्थडे मतलब घर में एक और पार्टी? नहीं नहीं घर में कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी, बस पूजा होगी और साथ में मिलकर हम घर का बना खाना खाएंगे बस। लेकिन भाभी ये कैसा नियम हुआ, बच्चों की खुशी के लिए उनका बर्थडे तो मनाना चाहिए ना? नहीं सा, हमारे घर में वर्षों से यही प्रथा चलती आई है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि हम दान पुण्य कर सकते हैं, कुलदेवी की पूजा कर सकते हैं या फिर हवन, लेकिन पार्टी वार्टी तो नहीं होगी सा। अच्छा हमें बहुत सारे काम हैं, हम अभी आते हैं। बेचारा लकी अब तक ना अपनी सजा से उबर ही नहीं पाया है, जब देखो यहाँ मुंह लटका के घूमता रहता है। घर में अगर बर्थडे पार्टी होगी तो उसका डिप्रेशन दूर करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। लेकिन लवली तू ये सब कैसे करेगी और मासा तू उनको राजी कैसे करेगी? एक काम करती हूँ जाके भाभियों से बात करती हूँ, वो भी तो चाहती है ना कि लकी की उदासी दूर हो जाए। हाँ तो